वेयर आर यू फ्रॉम? पूरा जो है आपको स्ट्रक्चर लकड़ी और मिट्टी और बड़े बड़े पत्थरों का ही मिलेगा। ए पैलेस ये देख सकते हैं भाई, ये है सेफ। और ये देख सकते हो कितनी पुरानी पुरानी यहाँ पर मॉनेस्ट्री बनी हुई है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। गाइस अभी मैं हूँ लेह लद्दाख वाले रोड पे और अभी आपको दिखाने वाला हूँ से पैलेस। ये देख सकते हैं भाई, ये है से पैलेस। बहुत ही पुराना पैलेस है ये, पूरा पहाड़ों के ऊपर बना हुआ है। तो यही चीज़ अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज। और बहुत ही पुराना पैलेस है ये, आप देख रहे हैं पूरा पहाड़ ही पहाड़ है। और इस तरफ हमें जाना है से पैलेस की तरफ, पूरा भाई पूरा बहुत पुराना से पैलेस है। तो फटाफट चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले से पैलेस में एंटर होते ही आपको ये मंदिर दिखेंगे, आप ये देख सकते हैं, जो कि टूरिस्ट का बहुत मतलब मजा आता है उन्हें ये घुमाने में, तो हम भी घुमाते हैं। ये देखो, ये देख रहे हो, ये भी भाई बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने हैं। मतलब इनका जो आर्किटेक्चर है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं करा गया है, जैसे पुराना था वैसे ही है। तो से पैलेस जो है, आप जब लेह से हिमाचल की तरफ जाओगे तब वहाँ से 12-13 किलोमीटर आगे से पैलेस पड़ेगा। और देखते हैं यहाँ पर टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, या हमें आर्मी वाले सर से बात करनी पड़ेगी। तो कुछ भी प्रोसेस हो सकता है, आपको ज़रूर बताएंगे। ये है से पैलेस, बहुत ही पुराना पैलेस है भाई। ये है पैलेस का जो स्टेयर्स है, ये है। आप सोच रहे हैं कि इस पैलेस में क्या सीमेंट का यूज़ हुआ हुआ, तो नहीं भाई, बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ हुआ। ये आप देख सकते हो, ये पूरा मिट्टी और लकड़ी से ही बना हुआ है। तो भाई एक बात बता दूं, ये जो से पैलेस है इसमें भाई कोई सरिया नहीं, कोई सीमेंट नहीं और किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रखा, सिर्फ लकड़ी मिट्टी और जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं पहाड़ों को काट काट के जो पत्थर निकाले होते हैं उनका यूज़ करा हुआ है, और जब जाके पैलेस तैयार किया हुआ है। और ये आप देख सकते हैं, पूरा जो है आपको स्ट्रक्चर लकड़ी और मिट्टी और बड़े बड़े पत्थरों का ही मिलेगा। ये देख रहे हो क्या बात है, सामने पहाड़ हैं तो इन्हीं को काट पीट के ही ये पैलेस बना रखा है। काफ़ी सालों पुराना पैलेस है ये लेह लद्दाख का फेमस पैलेस है। तो भाई कुछ ऐसा है ऊपर जाने का रास्ता, ये देख सकते हो, बिल्कुल सारा जो आपको रास्ता दिखेगा सब कच्चा ही मिलेगा आपको रास्ता, कोई आपको पक्का रास्ता नहीं मिलेगा। जैसे आप सरिया सीमेंट का रास्ता मिलता है वैसे नहीं मिलेगा आपको, पूरा कच्चा रास्ता। और दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये जैसे हमारे मंदिरों में छोटे छोटे होते हैं ना, दिए से होते हैं, और यहाँ बुद्धिस्ट लोग जिनकी पूजा है उनके भगवान की पूजा होती है, तो इतना बड़ा ये पीतल का दिया सा होता है, इसमें ये लोग पूजा करते हैं। और ये देखो भाई, पहाड़ों को काट के पहाड़ों को चीर के ये रास्ता बनाया गया है, क्या बात है भाई। ऐसा पैलेस भाई मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, तो आप लोगों ने अगर देखा हो तो कमेंट करके एक बार ज़रूर बताना। देख रहे हो पूरा पहाड़ी पहाड़, ओ माय गॉड, ये चेक करो यार, सिट, क्या बात है, बिल्कुल ही भाई नेक्स्ट लेवल का आए से पैलेस। काफ़ी मज़ा आ रहा है यार। और नीचे देख रहे हो आप ग्रीनरी ग्रीनरी, और नीचे से जा रहा है मनाली वाला रोड, क्या बात है। अभी चलते हैं थोड़ा और ऊपर देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर देखने के लिए। तो काफ़ी अच्छा लगा यार यहाँ पर आके, मन को बहुत ज़्यादा सुकून और शांति मिल रही है। तो भाई यहाँ पर कोई सीढ़ियाँ नहीं है, तो आपको ऐसे ही पत्थरों पर चलना पड़ेगा, तो ध्यानपूर्वक चले यार ताकि आपका पैर ना फिसल जाए। देख रहे हो कुछ ऐसा है भाई, अंदर चलते हैं ऊपर देखते हैं क्या है। कैसा लग रहा है चीनू? बहुत मजा आ रहा भाई, मजा आ रहा है, क्या बात है, नेक्स्ट लेवल। तो भाई ऐसी चीज जब हमें दिखती है ना एक्सप्लोर करने के लिए, तो काफी मजा आता है, काफी ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ऐसी चीजें कभी नहीं देखी। क्योंकि आजकल पता ही हो रहा है गवर्नमेंट ना पुरानी पुरानी चीजों को रिनोवेशन करके ना बिल्कुल बढ़िया बना देती है, पर ये तो ले पहले से इसे बिल्कुल भी रिनोवेशन नहीं करा गया, जैसा पहले था ये वैसे ही है। ओ माय गॉड भाई, हाईएस्ट टॉप पे आ चुके हैं ले पैलेस के, ये देख चेक करो क्या बात है, ओ माय गॉड सिट। तो भाई ये है से पैलेस से ऊपर का नज़ारा, सबसे टॉप पे आ चुके हैं, और ये देख सकते हो कितनी पुरानी पुरानी यहाँ पर मॉनेस्ट्री बनी हुई है। मतलब ये चेक करो कि आप इसमें एक भी सरिये का इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ, ना किसी सीमेंट का इस्तेमाल, सिर्फ इसमें मिट्टी और बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं उनका इस्तेमाल करके ही ये पैलेस बनाया गया है। चेक करो यार कितना बड़ा है, और रोड से हम सबसे टॉप पर आ चुके हैं, और भाई चारों तरफ हमारे हरे भरे
भाई पेड़ पौधे, और उधर की तरफ देख रहे हो लद्दाख की भाई पहाड़ियाँ, रेतीली पहाड़ियाँ। तो चलो भाई अभी और ऊपर की तरफ चलते हैं। क्या बात है। हेलो, वेयर आर यू फ्रॉम? फ्रांस। क्या बात है भाई, देखो भाई फ्रांस से आए हुए हैं सेब पैलेस देखने के लिए। काफ़ी अच्छा लग रहा है यार जब बाहर के लोग आते हैं अपने देश में। अभी चलते हैं ऊपर की तरफ। ऐसा है भाई नज़ारा ऊपर से, क्या बात है। आप उधर की तरफ देखेंगे तो आपको सारे स्तूपा ही नज़र आएंगे, वाइट कलर के आप देख रहे हो सभी स्तूपा हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो भाई देख रहे हो अभी फ्रांस के लोग भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, क्या बात है। ये अंग्रेज लोग भी आ गए हमारे देश में घूमने के लिए, अच्छी बात। तो दोस्तों इसे देख के क्या आप कह सकते हैं कि ये एक पैलेस होगा। और ये चीज चेक करो, इस एक दो लकड़ी ने पूरे इस बहुत बड़े पत्थर को झेल रखा भाई। देख रहे हो भाई, जो पुराने लोग होते थे वो लकड़ी से ही अपने घर बना देते थे, पूरे बड़े बड़े घर। और आज के टाइम में आप देख लो सरिये और सीमेंट से पक्के घर बना रहे हैं, वो भी नहीं टिक रहे हैं। तो भाई हमें पुराने लोगों से थोड़ी सीख लेनी चाहिए और कुछ सीखना चाहिए भाई उन्हें देख के कि जो पुरानी चीजें हैं वो कितनी ज्यादा मजबूत होती हैं। अभी चलते हैं नीचे की तरफ। तो गाइस ये आप पेंटिंग्स देख रहे हैं, ये बहुत ही कई सालों पुरानी है। ये इनके जो पूर्वज होते हैं, जो इनके गुरुजी होते हैं, ये इनकी पेंटिंग्स बनाई गई है। और देख सकते हैं आप कितनी लाइन वाली से पेंटिंग बनाई गई है, बिल्कुल इतनी मस्त लग रही है पेंटिंग्स ये। ये चेक करो यार। और ये आप जितना भी पूरा देख रहे हैं इसमें आज सारा काम लकड़ी का काम है, किसी सरिये का काम नहीं है। और ये पेंटिंग्स देखो कितनी प्यारी लग रही है, क्या बात है। और आगे चलते हैं, ये चेक करो, लग रही है ना भाई एकदम मस्त पेंटिंग्स। ये देखो आप वॉल पे कितनी मस्त, कितनी सुंदर पेंटिंग्स बना रखी है इन्होंने अपनी गुरुजी की। ये चेक करो, ये जितने भी आप दीवार पे देख रहे हैं ना सब कितनी बढ़िया पेंटिंग्स बनाई गई है। भाई यहाँ देखो हमें छोटे छोटे से पत्थर दिखे हैं जिनमें भाई नाम लिखे हैं या मंत्र लिखे हैं, जो भी हो आप अगर पढ़ना जानते हैं तो भाई आप पढ़ सकते हैं। हमें तो नहीं पता कि क्या लिखा हुआ है क्या नहीं, देख रहे हो ऐसे पत्थरों पे यहाँ पर नाम लिखे गए हैं या मंत्र होंगे जो भी हैं। और ये एक स्तूपा बना हुआ है प्यारा सा। और टोटल आप अगर देखोगे ना, अगर यूं करोगे ना तो देखो इतनी हार्ड मिट्टी है कि आपके हाथ लगाने से भी ना ये गिरेगी नहीं, इतनी हार्ड मिट्टी है यहाँ की। और ये चेक करो यार, और ये आप देख रहे हो अब बुद्धिस्ट जो लोग हैं वो अपने जो उनकी जो पूजा करते हैं वो अपने भगवान की गौड़ की पूजा करते हैं, तो वो तांबे के इसमें दिए में पूजा करते हैं। इतना बड़ा आप तांबा देख रहे हैं, हमारे कभी हिंदू के मंदिर में ऐसा तांबे का ये आप दिया नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ ये बुद्धिस्ट में मिलेगा। ये देखो ऊपर से लेकर नीचे तक जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी ये आपको बड़े बड़े पहाड़ और ये मोनेस्ट्री दिखेगी आपको, जो कि पहाड़ों के बीच में ही बनी हुई है। और यहाँ पर बहुत मतलब जैसे होता है ना पुराने पुराने मतलब किले विले होते हैं, वहाँ पर काफ़ी जगहों पर रास्ते बने होते हैं निकलने के एग्जिट होने के, तो यहाँ पर भी ऐसी है। तो एग्जिट होने के लिए काफ़ी सारे यहाँ पर रास्ते बने हुए हैं। ये देख सकते हो भाई छोटे छोटे पत्थर पे ऐसे ऐसे लोगों ने ऐसे अपने मंजिल घर बना रखे हैं। दोस्तों अभी चलते हैं टेम्पल जो कि मोनेस्ट्री में, और इधर की तरफ रास्ता जा रहा है। वाओ ये चेक करो यार, बहुत ही प्यारा लगता है यहाँ पर मोनेस्ट्री में ये, जो कि ये आपको घुमाना पड़ता है, इससे आपकी जो भी मन्नत है वो आप मन्नत मांग सकते हो और वो मन्नत आपकी पूरी हो सकती है। ये चेक करो भाई, जैसे बड़े बड़े किले में ये बहुत बड़ा एक गोल सा बना देते हैं ना, यहाँ पर जितने भी सेना होती है उनकी तैनात रहती है ऊपर की तरफ। ये चेक करो यार, पूरा मिट्टी से और बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ है। और ये चीज़ चेक करो यार, क्या बात है, बहुत ही प्यारा लग रहा है भाई। ऐसा जैसे पहाड़ों में ऐसे मोनेस्ट्री बनी हुई है, बहुत ही मतलब ये है, ये अपनी तरफ ना आने जाने वाले लोगों को ना अपने आप ही अट्रैक्ट करती है, अपने आप ही खींच लेती है कि आओ। ये भाई क्या बात है। तो दोस्तों ये है पुराने ज़माने के वॉशरूम, ये आप चेक करो। पुराने ज़माने में लोग ऐसे बनाते थे, बीच में गड्ढा कर देते थे और नीचे पूरा खाली होता था, जो भी आप टॉयलेट या वॉशरूम जो भी करते थे सब नीचे जाता था। ये चेक करो और कुछ नहीं है। तो भाई पूरा ले पैलेस घूम लिया, बहुत अच्छा है ले पैलेस भाई, बहुत मज़ा आया।
और अभी आ चुके हैं, ये देख सकते हैं, ये मोनेस्ट्री में। और मोनेस्ट्री में अगर आप आते हैं तो आपको 30 रुपीस फीस देना पड़ेगा और अपने शूज उतार के जाओ अंदर की तरफ, प्राइवेट है। और ये बैठे पैसा है ये तो भाई पता नहीं यार, बच्चे यहाँ की बात ही नहीं करते, बोलते नहीं ऐसे। सुबह हमने जब वीडियो बनाई थी, सुबह भी देखा आप लोगों ने, वो बच्ची रो पड़ी थी यार। और ये जल रहा है दीपक। तो दोस्तों अच्छा, तो दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा ये लेह पैलेस घूमने में। और यहाँ पर जो 30 रुपीस आपको फीस देनी है, तो आप बिल्कुल भी निराश मत होना, क्योंकि यार यहाँ पर कोई एंट्री फीस नहीं है, यहाँ पर कोई टिकट नहीं लेना पड़ता आपको। तो आप सोच सकते हैं भाई 30 रुपीस को इतना ज़्यादा नहीं है, वरना तो आप यहाँ टूरिस्ट एरिया, यहाँ पर आप अगर आते हैं तो यहाँ पर 100-200 रुपये का तो टिकट चार्ज लगता है, पर यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। बस आपको 30 रुपीस पे करना पड़ेगा अंदर दर्शन करने के लिए, वो भी ठीक ठाक है यार, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो मेंटेनेंस देखते हैं, हर एक चीज़ देखते हैं, वो उन्हीं का 30 रुपीस पे कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार। अगर आप आ सकते हैं तो 30 रुपीस पे करके आप दर्शन कर सकते हैं, ठीक ठाक है यार, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। और ये देख सकते हैं ये है बड़े बड़े दीपक, जैसा हम अपने मंदिर में काली माता के मंदिर में आप दिया जलाते हैं ना, तो वैसे ये लोग अपने भगवान को दिया जलाते हैं, जैसे हम तेल का दिया जलाते हैं वैसे ये भी दिया जलाते हैं। पर इनका जो दिया होता है ना भाई, वो तांबे पीतल का होता है, इनका दिया भाई कम से कम 2-3 फुट का जो दिया होता है इनका, बहुत बड़ा दिया होता है, तो इसी में ये लोग पूजा करते हैं उनकी। तो ये है एग्जिट का वे, देख सकते हो कितना ही प्यारा है भाई, एकदम जैसे भाई यहाँ एंटी एग्जिट दोनों एक साथ ही है यार। ये भाई ये ऐसी है, एग्जिट का उधर है भाई, झूठ बोल रहा है, झूठा है भाई, झूठा है, एग्जिट का हो रहा है, इसकी बातों में मत आना भाई। हाँ भाई एक बार बताओ आप लिखा कहाँ है यार, भाई आप एंटी भी कर सकते हैं एग्जिट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये भाई ऐसी है, निकम्मे दोस्त है भाई। हाँ ऐसे दोस्त आपको मिले हैं, कहीं मिले हैं तो कमेंट में जरूर बताना, इसका नाम चीनू है कुछ। तो दोस्तों अगर आप सामने से देखेंगे तो ले पैलेस आप देख सकते हैं कुछ ऐसा है। और अगर आप पुरानी चीजें मतलब काफी मतलब 100, 500, 200 ऐसे 1000 साल पुरानी चीजें अगर आप देखना पसंद करते हैं, अगर आप लेह की तरफ आ रहे हो तो आप से पहले जरूर आओ, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं करा गया, जैसे आप जैसे पहले था ना 100 साल 200 साल पुराना, वैसे ये से पहले से बिल्कुल भी इसमें भाई आई थिंक कोई चेंज नहीं करा गया भाई इसमें, क्योंकि अभी हम पूरा लेह पैलेस देख के आ रहे हैं, बिल्कुल भी चेंज नहीं करा गया। इसलिए यहाँ पर जो भाई बाहर के जो लोग हैं, जो फॉरेन कंट्री के लोग हैं, वो भी यहाँ पर आते हैं। यहाँ अभी आपने देखा कि एक फ्रांस के भी आए हुए थे, फ्रांस के वो काफ़ी सारे आए हुए थे, ये आप देख सकते हैं, ये जितने भी हैं सब फ्रांस के हैं। और ऊपर भी पूरा मतलब ये जो से पहले से पूरा पहाड़ों पर बना हुआ है, बिल्कुल अगर आप इतिहास की चीज़ें आप जानना चाहते हो, पहचानना चाहते हो, तो यहाँ पर आप आ सकते हैं, जान पहचान हर चीज़ मतलब मज़ा ही आने वाला है यहाँ पर। हमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, आपको मज़ा आया नहीं आया कमेंट में ज़रूर एक बार बताना। और ये देख सकते हो आप पूरी हरा भरा है भाई, पूरा हरा भरा, बिल्कुल ग्रीनरी ग्रीनरी नज़र आने वाली है आपको। और सामने एकदम से देख सकते हैं ये बहुत बड़ी प्रतिमा बननी है, आई थिंक कि पता नहीं किसकी प्रतिमा बननी है, पर प्रतिमा बननी है भाई, जब मतलब पूरी अच्छे तरह तैयार हो जाएगा, जब भी पता लगेगा कि प्रतिमा किस चीज़ की है, किन की है प्रतिमा। तो अभी चलते हैं आगे की ओर, क्योंकि अभी 4 बज चुके हैं और अभी हमें अपना ठिकाना ढूंढना है कि हमें कहाँ स्टे करना है, कहाँ नहीं, अभी कुछ नहीं पता भाई कहाँ स्टे करना है। अभी यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ, क्योंकि अभी 4 बजे हमारे पास 1-2 घंटे बाकी हैं, आगे चलेंगे उसके बाद अपना स्टे का ठिकाना देखेंगे।